बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर रोजाना कहीं ना कहीं से नए विवाद सामने आ रहे हैं, कभी राजस्थान से तो कभी महाराष्ट्र से। एक बार फिर नया विवाद सामने आया है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुछ महिलाएं भगवा स्कार्फ पहनकर द कश्मीर फाइल्स देखने फिल्म पहुंची थी, लेकिन उनसे सिनेमा मैनेजमेंट ने भगवा स्कार्फ उतरवा लिए, ये आप दृश्यों में देख सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अब इन महिलाओं को भगवा स्कार्फ पहनना बहुत महंगा पड़ गया है, क्योंकि भगवा स्कार्फ पहनने को लेकर महिलाओं के खिलाफ गुनाह दर्ज हुआ है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये हम नहीं कह रहे, भाजपा विधायक देवयानी फरांदे का आरोप है। ये भाजपा विधायक देवयानी फरांदे कह रही है कि इन महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, गुनाह दर्ज किया है। ये महिला नासिक में पीवीआर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने पहुंची थी द कश्मीर फाइल्स, लेकिन इनका गुनाह यह था कि इन्होंने भगवा स्कार्फ पहन रखा था, जिसके कारण पुलिस और सिनेमा मैनेजमेंट ने इनसे भगवा स्कार्फ उतरवा लिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, गुनाह दर्ज हुआ है, पुलिस ने इनके खिलाफ गुनाह दर्ज किया है। भाजपा विधायक देवयानी फरांदे का यह आरोप है। ये मामला नासिक जिले का है। बिग बाजार मध्ये चित्रपट गृह है, तिथे काश्मीर फाइल्स नावाचा पिक्चर लागला है आणि त्या ठिकाणी एक 150 महिला हा सर्वजणी एकत्रित पिक्चर बघण्यासाठी गेलेला होत्या। एकमेकींची ओळख पटावी म्हणून त्यांनी चित्रपटात गृहामध्ये जात असताना भगवा स्कार्फ परिधान केलेला होता। त्या ठिकाणच्या पीवीआर चित्रपटगृहाच्या सुरक्षा रक्षक आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी सरकारवाडा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतले काही पोलीस देखील आले आणि ते स्कार्फ जे आहे ते सगळे त्यांना काढायला लावले आणि काढल्यानंतर त्यांनी चित्रपट संपल्यानंतर ते स्कार्फ परत मागितले, तर ते स्कार्फ देखील त्यांनी जमा करून घेतले पोलिसांकडे, परत दिले नाही। परंतु गंभीर गोष्ट अशी आहे की सीआरपीसी 149 अंतर्गत यांना नोटीस देण्यात आलेली आहे। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान की बेटी आरिन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।